आर्क इन्फॉर्मेशन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना जो है एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र का रोग है। अब इस कोरोना काल में आपको अपने श्वसन तंत्र को मजबूत रखना है, फेफड़ों को मजबूत रखना है, तो आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना काल में क्या क्या एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्या क्या ब्रीदिंग टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने फेफड़ों को मजबूत रख सकते हैं ताकि इस कोरोना काल में कोरोना से लड़ने में हमें मदद मिलेगी। तो सबसे पहले है डीप ब्रीदिंग, सांस को भरते हैं, थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। एक्सरसाइज नंबर एक। एक्सरसाइज नंबर दो, इस एक्सरसाइज के दौरान भी सांस का काफी रोल रहेगा, आपको सांस को भरना है और फिर छोड़ना है। एक्सरसाइज नंबर तीन, सांस को पूरा भरना है और छोड़ना है। जैसे आप हाथों को ऊपर ले जाएंगे तो सांस को भरना है और जैसे हाथों को नीचे लाएंगे छोड़ना है। इसके विपरीत इसका उल्टा भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर तीन, इसमें श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए, हाथ जब आगे की तरफ आएंगे तो सांस को भरना है और जब पीछे की तरफ जाएंगे तो छोड़ना है। एक्सरसाइज नंबर चार, इसमें कपालभाति भी यूजफुल है। कपालभाति भी कर सकते हैं। अब सांस को होल्ड करके रखना जरूरी है। जितना देर आप रुक सकते हैं अच्छा रहेगा, लेकिन मिनिमम एक मिनट तक अगर रुक पाए तो संभावना है कि आपके फेफड़े बहुत ही मजबूत हैं। एक्सरसाइज नंबर पाँच, पूरी हवा, ऑक्सीजन पूरा फुल भर लीजिए, फिर उसके बाद सेम इसके विपरीत दिशा में जो ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, अगर ये एक्सरसाइज आप रेगुलरली
करते हैं सुबह शाम, तो आप पाएंगे कि एक हफ्ते के अंदर ही आपकी रिस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी ब्रीदिंग होल्ड टाइमिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको मेरी बताई हुई टेक्निक्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले किसी उपयोगी वीडियो में। धन्यवाद। जब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।